दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की शपथ वो दिलाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी दी गई है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में दो स्थान जो है रिक्त हो गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिसोदिया और जैन के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में भारद्वाज और आतिशी को मंत्री नियुक्त किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ पा रही है, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल के दो स्थान रिक्त हो गए थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिसोदिया और जैन के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में भारद्वाज और आतिशी को मंत्री नियुक्त पर भी जो है उसे स्वीकार कर लिया है। और आपको बता दें कि आज सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लिना मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उपराज्यपाल उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया था जिसे कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया और अब इसी कड़ी में आज आपको बता दें आतिशी मार्लिना और सौरभ भारद्वाज शपथ लेने वाले हैं। तो दिल्ली की सियासत जो है लगातार गर्माई हुई नजर आ रही है और आबकारी घोटाले के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया जिसके बाद उनको काफी प्रेशराइज किया गया जिसके बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और अब आपको बता दें कि उनकी जगह पर नए मंत्रियों के लिए नाम दे दिए गए हैं और आज इन मंत्रियों को शपथ दिला दी जा सकती है। इस खबर में तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवम पांडे इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आज आतिशी मार्लिना और सौरभ भारद्वाज को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, कितने बजे तक ये शपथ दिलाई जा सकती है? बिल्कुल निशा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद ये दोनों कैबिनेट में, दिल्ली सरकार के कैबिनेट में शामिल होगा क्योंकि इनकी शपथ ग्रहण समारोह आज होना है। क्योंकि राज्यपाल की तरफ से प्रस्ताव हो गया, फिर द्रौपदी मुर्मू के पास वहां भी प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन आज इन दोनों का शपथ ग्रहण समारोह कराया जाएगा। और साथ ही साथ बात कर ले कि सौरभ भारद्वाज की बात कर ले, ये इस बार दूसरी बार मंत्री पद की शपथ लेंगे क्योंकि इससे पहले जब 49 दिन की केजरीवाल की सरकार बनी थी तो इन्होंने संगठन में जगह लिए थे, उसके बाद फिर ये लगातार 3 बार विधायक रहे, फिर अभी ये दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। क्योंकि ये जब पार्टी के 2012 में पार्टी की स्थापना हुई तो ये सक्रिय सदस्य भी उसमें थे। तो हम बात कर ले कि सौरभ भारद्वाज आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। निशा जी, शिवम, मंत्री पद की शपथ लेने से पहले आतिशी मार्लिना की बात कर लें चाहे सौरभ भारद्वाज की बात कर लें, कोई रिएक्शन का सामने आया है मंत्री पद की शपथ लेने से पहले? बिल्कुल आपको सही बता रहे हैं, आप सही करें कि कहीं ना कहीं बात किया जाए, सौरभ भारद्वाज या आतिशी की बात किया जाए तो इन दोनों से जब मीडिया से मुखाबित हुए तो उन्होंने कहा कि साफ तौर से कि हम मंत्री पद शपथ ले रहे, क्योंकि अभी तक जो सत्येंद्र जैन जिम्मेदारी संभालते थे या मनीष सिसोदिया संभालते थे वो अब हम जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता को जो पहला प्यार मिलता था, जो स्वास्थ्य मिलता था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या और जो क्षेत्र थे और जो विभाग थे उन लोगों के पास, वही प्यार हम जनता को देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि बीजेपी एक तानाशाह सरकार है, उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी तानाशाह सरकार है, वो कितने विधायकों और कितने मंत्रियों को जेल भेजती रहेगी, लेकिन हम लगातार शपथ लेते रहेंगे, हमारे आम आदमी पार्टी में लगातार शपथ लेते रहेंगे, साथ ही साथ हम लोग एक अच्छा काम करेंगे। जी विशाल जी, चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।